अच्छा आज हम बना रहे हैं निहारी, तो सबसे पहले हम निहारी का मसाला आपको बताएंगे किस तरीके से आपने बनाना है। लेकिन हम आज चिकन की निहारी बना रहे हैं, लेकिन इसी मसाले से आप बीफ की भी बना सकते हैं जब आपको प्रॉपर बीफ मिलना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। अच्छा, इसका मसाला बनाने के सबसे पहले हम जो है वो देगी लाल मिर्च जो है वो तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून जितना हम डालेंगे। ये मसाला बना के आप स्टोर भी कर सकते हैं। काली मिर्च डाल रहे हैं 1 टीस्पून के करीब। अच्छा, ज़ीरा पाउडर जाएगा अराउंड 1 टीस्पून। साथ में पिसा हुआ गरम मसाला हम डाल रहे हैं अराउंड 1 टेबल स्पून, ठीक है। और हल्दी पाउडर जा रहा है 1/2 टीस्पून। लाल मिर्च जा रही है इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब। और जो है इसमें जा रहा है जायफल जावित्री का पाउडर जाएगा 1 टीस्पून। सौंफ का पाउडर जाएगा 1 टीस्पून। क्या मतलब, आपको हंसी क्यों आती रहती है हर वक्त, ठीक है। और नमक जो है हम इसमें हसबी जायका शामिल कर रहे हैं। ये मसाला समझे निहारी का हमारा तैयार है। लेकिन हम चिकन निहारी बना रहे हैं, हम चिकन निहारी बना रहे हैं। आपको अगर बीफ जो है बनानी हो, मटन बनानी हो, तो आपके जाके खा ले, कह दे तो यहाँ से चले जाए। नहीं नहीं, आप जो है सिर्फ मीट चेंज कर दिएगा, बाकी रेसिपी सेम रहेगी, ठीक है। सही है। अच्छा, जो है हम इसके अंदर ये लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे सबसे पहले, ठीक है। ये अराउंड 1 टेबल स्पून। देखिए आज म्यूजिक, आज दबा के म्यूजिक आने वाला है, ठीक है। आप समझते हो, सेलिब्रेशन डे है ना पाकिस्तान, सेलिब्रेशन डे निहारी बन रही है। सेलिब्रेशन, देखा इंग्लिश बोली 50 रुपए कट गए। लो अच्छा, सेलिब्रेशन डे क्या कहा था? नहीं नहीं नहीं, आपने क्यों बोला, मैं तो आपको टेस्ट कर रहा था। वाह, ये आपका टेस्ट है शेफ मुनीर, जो बुरी तरह से फेल हो गई। बहुत शुक्रिया, ठीक है। अच्छा, जिस स्टेप पे हमने इसमें पानी ऐड कर लिया, चिकन को हमने पका लिया इतनी देर में जब तक आप लोग ब्रेक पे थे, हमने यहाँ पे जो है घी ले लिया है। इसमें जो है हम इसका बघार तैयार करेंगे, लेकिन पहले हम इसमें जो है वो आटा घोल के शामिल करेंगे। तो आपके पास जो है होल व्हीट आटा होना चाहिए, अगर वो नहीं है आपके पास मैदा है आप वो भी शामिल कर सकते हैं। हम उसको अच्छे से विस्क करते जाएंगे और घोल के, और फिर वो हम आटा इसके अंदर शामिल करेंगे। आपने एक साथ बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, वरना इसमें लम्स बन जाएंगे, आटे की गुठली जो बन जाती है। जी जी अच्छा। जी ठीक है, थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके फिर आपने इसको डिसॉल्व करते जाना है, और फिर इसको आपने पतला करना है, वरना जो है ये एक साथ आप पानी शामिल कर देंगे वो लम्स हो जाएंगे, आप वो ब्रेक नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से लगता है शेफ मुनीर जो वो आप क्या डालते हैं, जायफल, जायफल जी, जायफल जावित्री, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। हाँ, उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। निहारी में आप शामिल करें, आप जर्दे में, आप हलीम में, आप बिरयानी में, आप कोरमे में, बिल्कुल लास्ट में अगर आप वो आप पिंच शामिल कर देंगे तो उसका बहुत अच्छी खुशबू भी आती है, बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है। लेकिन आपने एक पिंच से ज़्यादा शामिल नहीं करना है, क्योंकि उससे जो है इसका बहुत फिर टेस्ट ख़राब हो जाएगा, कड़वाहट पर चला जाएगा। तो सिर्फ एक पिंच या 1/2 टीस्पून के करीब आपने शामिल करना है। ये देखिए, हमने ये हमारा आटा डिसॉल्व हो गया, इसमें कोई लम्प्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो हमने टेक्निक बताई है आपने उसी तरीके से करना है। सुरी कढ़ाई में जाके तो नहीं है वो बन जाएगी गुठलियाँ इसकी? नहीं होंगी, ठीक है, क्योंकि देखिए गुठलियाँ अगर इसमें होंगी तो इसमें बनेंगी जाके, बिल्कुल, ठीक है। दैट्स इट, अब ये जो है हमारा डन है, हम ये इसमें शामिल करते जाएंगे और इसको इस तरीके से चलाते जाएंगे तो जो उसमें भी बननी होंगी वो नहीं बनेंगी। इतना हमें शामिल करने के ये ठीक हो रहा है, देखें आप, आपको नजर आ रहा होगा कलर कितना अच्छा है हमारी निहारी का जी। ये देखिए, और गाढ़ी भी बन, गाढ़ी भी हो गई है, ठीक है, ये डन हो गई है। अच्छा, जरूरी नहीं है जितना आपने आटा घोला है उतना ही शामिल कर दें, आटे पे भी डिपेंड करता है। तो हमने 2 से 3 टेबल स्पून आटा लिया था और वो शामिल कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें भी बच गया हमारा, पूरा नहीं गया। तो आटे के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना अच्छा आपका आटा है उस हिसाब से, ठीक है। अच्छा, आ जाते हैं इसके भगार की तरफ। हमने एक बड़ी प्याज ले लिया है और यहाँ घी ले लिया है, हम इसको गोल्डन करेंगे। और हमने जो मसाला तैयार किया था वो मसाला मैंने थोड़ा सा बचा लिया था, वो अब हम इसमें शामिल करेंगे। अच्छा, हमारी जो चिकन नहारी है वो तैयार हो चुकी है। और आपको पता है नहारी इज द नेशनल डिश ऑफ पाकिस्तान। जी हाँ, डू यू गाइस नो दिस, नेशनल डिश ऑफ पाकिस्तान क्या है? नहारी, नहारी, बिरयानी। चलो जी, एक नई डिबेट, ये जो नई नस्ल आने वाली है ये कुछ ना कुछ बदलेगी। अच्छा, आपको पता है हमारी, चलो इंडियन एकेडमी को खाने के बारे में ज्यादा पता है, चलो ये अब मान लेते हैं। आपको पता है हमारा, हमारी नेशनल स्वीट डिश क्या है? खीर। यस, गुलाब जामुन। गुलाब जामुन, कितनी खुश हो रही है गुलाब जामुन के नाम पे शेफ मुनीजा।